वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, जजमेंट था राहुल गांधी जी का, मोदी जी मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी जी ने आज एक स्पीच के दौरान कहा, और उन्होंने मोदी जी को इतना ही नहीं बल्कि और भी बातें कही, एंड परसों लोकसभा में भी उन्होंने मोदी जी को काफ़ी कुछ कहा था, रावण कहा था, रावण से तुलना करी थी, एंड कहा था कि सिर्फ दो जनों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। एंड मैं आपको कुछ हद तक का बातें बताऊँ ना, तो राहुल गांधी जी ने सही भी कहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी स्मृति ईरानी ने एक केस उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने उनकी तरफ फ्लाइंग किस करा था, उन्हें देखकर करा था, एंड वहाँ पे और भी वुमेन लीडर्स थी सबकी तरफ को, मेनली स्मृति ईरानी की तरफ को देख करके उन्होंने फ्लाइंग किस करा था। ऐसा जजमेंट स्मृति ईरानी ने खुद दिया है, वो भी लोकसभा के बीच में, और ये तक का कहा है कि एक घटिया खानदान से हैं राहुल गांधी जी, एक घटिया खानदान से हैं। तो सब में पहले तो मैं आपको ये बता दूँ भाई, अगर आप राहुल गांधी जी को घटिया कहना चाह रही हो तो कहो, लेकिन पूरे खानदान को कहने का क्या मतलब बनता है भाई। अगर इस चीज़ को राहुल गांधी जी कहते कि स्मृति ईरानी जो है घटिया खानदान से है, तो भाई इन्हें भी बहुत बुरा लगता है इस तरीके से, भाई ये गलत कहा है उन्होंने। एंड हाँ, मैं जो बात कह रहा था राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने सही कहा है, बिकॉज ऑफ लोगों की भी ये राय यही थी कि मोदी जी जो है मणिपुर पर इस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ अपने भी चुनाव से मतलब है कि 2024 में हमारी सरकार फिर से वापस आ जाए एंड वे फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए भाई। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो जो स्मृति ईरानी जी ने केस कराया ना, वो भी भाई सही नहीं कराया, उन्होंने एक लीगली नोटिस बनाया जिसमें लगभग 15 वुमेंस के साइन कराए जो कि बीजेपी लीडर्स थी, एंड उन पर ये लिखवाया कि राहुल गांधी जी ने हमारी तरफ फ्लाइंग किस कराया, एंड इसको ऊपर भेज दिया, एंड इसका जो अभी निर्णय है वो लोकसभा के स्पीकर लेंगे। समय बड़ा एक और फैक्ट बताऊँ, हेमा मालिनी जी जो कि बीजेपी की लीडर हैं, इन्होंने मीडिया के सामने कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी, फ्लाइंग किस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करा था, बट उन्होंने उस लीगल नोटिस में साइन करके साफ साफ बताया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा करा था। अगर तुम्हें पहले ही बोलना था तो तुमने मीडिया के सामने मना क्यों कर, काइंड ऑफ यार पॉलिटिक्स इतनी हद तक का गिर जाती है कि फिर उसे उठाना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान उसके अंदर धीरे धीरे और गिरता चले जाता है। बाय द वे आपकी क्या राय है भाई कमेंट में जरूर बताना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर दे।